प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन. आई एम स्वप्निल एंड मिशन सेफ हब स्टार्टेड अ न्यू सीरीज दैट इज डिकोडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स. बिकॉज मैनी स्टूडेंट फील इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कॉन्सेप्ट गिवन इन एनसीईआरटी. सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, टुडे वी विल सी द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. This concept given in 12th standard microeconomic NCERT. Okay, in first chapter, that is introduction to microeconomics. This concept is given in this chapter. UPSC also asked question on this. Okay, in CAPF, okay, 2019 CAPF exam. UPSC also asked question on this. Okay. The nature of question is more of conceptual one rather than any factual. So we have to understand the concept behind every term. Okay, so let's understand this production possibility frontier. This is also called as production possibility frontier, PPP, production possibility curve or transformation curve. Oh, this is the definition or meaning. Okay, this is the explanation, but first we are going to see the example and then we are going to see the definition. Okay, for example, हमें क्या करना होता है कि हमें दिन में suppose 10 hour मिलते पढ़ने को, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, हमको reading भी करना है, उसमें हमको उसमें MCQ की practice भी करना है. ओके, ठीक है, बहुत सारे और भी activity है, लेकिन हम यहाँ पे दो कोई भी combination लेना है. ठीक है, दो कोई भी आप हमें कॉम्बिनेशन लेना है, तो तभी हम एक ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने क्या लिया, रीडिंग लिया. ओके, हमने यहाँ पे क्या रीडिंग लिया और एमसीक्यू सॉल्व करना है हमें दिन में. ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट है इसका कॉम्बिनेशन लेना है. फॉर एग्जाम्पल, ओके, आपने क्या किया, एक पॉसिबिलिटीज क्या है कि आपने एक दिन में आप क्या 5 chapter पढ़ लिया आपने. ठीक है, एक दिन में आपने कितना 5 chapter पढ़ लिए, बट जो आपकी एनर्जी चैप्टर पढ़ने में डाइवर्ट हो गई, तो उस टाइम पे आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए कर पाए. ठीक है, ये आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया. ठीक है, देखो जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपने रीडिंग पॉलिटी चैप्टर्स 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे आपने प्लॉट कर दिया. यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपने सॉल्विंग नंबर ऑफ एमसीक्यू, यहाँ पे आपने 50 के 100, 150, ओके, यहाँ पे आपने प्लॉट कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड पॉसिबिलिटी देखो, सेकेंड पॉसिबिलिटी में क्या है कि जो आपका टाइम है आपने क्या किया, चार चैप्टर पढ़ लिए, जो बाकी जो टाइम था वो आपने क्या किया, एमसीक्यू सॉल्व करने में लगाया, तो उसमें आप क्या किया, 100 MCQ आपने सॉल्व किया. ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि आप 3 chapter पढ़ सकते हो. ठीक है, आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करना है, उसमें आप 140 MCQ सॉल्व कर सकते हो. ओके, आप 2 chapter भी पढ़ सकते हो, उसमें ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर, जो बाकी बचा हुआ टाइम उसमें ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो. आप एक चैप्टर पढ़ सकते हो और मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो. नहीं तो आप क्या करो, पूरा जो एनर्जी है वो क्या करो, एमसीक्यू सॉल्व करने में लगाओ, तो आप 300 MCQ सॉल्व कर सकते हो. तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड समझ आया होगा कि ये जो क्वांटिटी है रीडिंग की, ओके, ये कम होती जा रही है और ये जो क्वांटिटी है एमसीक्यू की, ये बढ़ती जा रही है. ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारी इकोनॉमी भी देखो, इकोनॉमी रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमें क्या करना है, उसमें मैक्सिमम जो आउटपुट मिलेगा, जो मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा, ऐसा कॉम्बिनेशन हमें चूज करना है. ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो हम मतलब पूरा 5 chapter भी नहीं पढ़ सकते और एमसीक्यू 0 नहीं सॉल्व कर सकते, तो कोई भी मतलब ये जो कोई भी प्लॉट रहेगा इसमें आपको हमें क्या करना है, मैक्सिमम जो पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन देखना है हमें. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट्स हमें यहाँ पे निकालना है, फॉर एग्जाम्पल जो 5 chapter रीड्स के, तो उस टाइम पे सॉल्व एमसीक्यू कितना 0 सॉल्व किया. ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो 4 है यहाँ पे 4 chapter रीड के, लेकिन उसी टाइम पे हमने 100 MCQ सॉल्व किया. ठीक है, तो हम बी पॉइंट पे आ गए, तो ये क्या है, बी पॉइंट रहेगा. ठीक है, ये सी पॉइंट रहेगा. ओके, डी, ई और एफ, ये क्या है, एक क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल. ओके, ये मैक्सिमम प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई है इन्होंने. ठीक है, ये पॉइंट्स ने, तो हम क्या किए, एक ये जो पॉइंट्स है हमने ये पॉइंट्स कनेक्ट कर लिए, तो हमें एक कर्व मिलता है, उसी कर्व को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व बोलते हैं. ठीक है,
भाई ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटर इसको कर्व इसको क्यों बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्यों बोला इसको, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है, ये जो दो जो यहाँ पे जो टाइप्स दिए हुए ये कंबाइन करके यहाँ पे हमने क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी निकाला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम चार चैप्टर पढ़ सकते उसी टाइम पे हम मैक्सिमम 100 एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते, तो ये क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी या आउटपुट पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। फ्रंटायर मीन्स क्या रहता है, फ्रंटायर मीन्स बाउंड्री और कोई लाइन रहती है, तो ये इसको क्यों बोला ऐसे। फॉर एग्जांपल आप ये पॉइंट्स लो, ओके ये पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे आपने 100 एमसीक्यू सॉल्व किए और यहाँ पे आपने क्या है आपने 5 चैप्टर भी रीड किए, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज जो लिमिटेड है उसमें आप ये कर नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आपने 4 चैप्टर रीड कर लिए और यहाँ पे 300 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, ठीक है, ये देखो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है आपके पास, जो बाकी सब चीज़ें वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। आप एक ये जो कर्व है इसके बाहर कोई भी पॉइंट रहेगा ये सब इम्पॉसिबल पॉइंट है, ये आप अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। जो मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है यो यहाँ पे इस कर्व पे इंडिकेट कर दिए, ओके इस रीडिंग और एमसीक्यू सॉल्व करने में, यदि आप इसके नीचे ओके यहाँ पे आप आ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक दिन में आपने फॉर एग्जांपल आपने एक चैप्टर पढ़ लिया और उस टाइम पे आपने 200 एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, ये पॉसिबल है। जो कर्व के जो अंदर है वो पॉसिबल है, कर्व के जो बाहर है ये जो कर्व है इसके जो बाहर की जो चीज़ें हैं ये इम्पॉसिबल है। सो ये क्या कर रही है, जो पॉसिबल इम्पॉसिबल को ये लाइन क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, और इसको हम क्या बोलते हैं बाउंड्री बोलते हैं, कोई भी बाउंड्री क्या होता है डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसके ये क्या हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर कर्व हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक प्रोडक्ट को कम करना है तो भी हम दूसरे प्रोडक्ट के लिए हम टाइम दे सकते हैं, इकोनॉमी में यही है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसकी कंसेप्ट क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें कंसेप्ट देखना है अ कर्व, ये जो कर्व देखा हमने, ठीक है, अ कर्व दैट डिस्क्राइब अ वेरिएशन इन अमाउंट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑफ टू प्रोडक्ट्स इफ बोथ डिपेंड अपॉन सेम फाइनाइट रिसोर्सेस फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग। जो रिसोर्सेस है जो टाइम है वो कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें से हमें क्या मिलेगा, ये वेरिएशन मिलेगा, ये डिफरेंट पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे देखी। ये क्या है, डिस्क्राइब डिफरेंट वेरिएशन, ओके वेरिएशन इन अमाउंट्स, ओके फॉर एग्जाम्पल 4 चैप्टर पढ़े और 200 एमसीक्यू सॉल्व किए, 150 एमसीक्यू सॉल्व किए, ठीक है। वेरिएशन इन अमाउंट कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑफ टू प्रोडक्ट्स, जो देखिए रीडिंग और एमसीक्यू, ये जो देखिए ये दो प्रोडक्ट्स है, ओके ये दो प्रोडक्ट्स के हम जो कॉम्बिनेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज मिलेगी, ठीक है। यही यहाँ पे बताइए ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्यों है, क्योंकि कर्व का जो ग्राफ मिलेगा वो क्या है, कर्व शेप में है वो ग्राफ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्या क्यों बोला इसमें, जो यहाँ पे पॉसिबल चीज़ें हो सकती है, यहाँ पे इम्पॉसिबल चीज़ें हो सकती है, तो ये क्या है जो कर्व है ये क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे जाके ये इम्पॉसिबल हो रहा है, ठीक है, ये पे हम कर नहीं सकते, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, ओके इट डेमोन्स्ट्रेट दैट प्रोडक्शन ऑफ वन कम्युनिटी मे इंक्रीज ओनली इफ प्रोडक्शन ऑफ अदर कम्युनिटी इंक्रीज, ओके फॉर एग्जांपल आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है तो आपको चैप्टर आपके कम करने पड़ेंगे, ठीक है। आप 200 एमसीक्यू सॉल्व करो लेकिन आप अगले दिन 4 चैप्टर रीड करो तो इस दिन 3 चैप्टर रीड करो, तो आपको जो क्वांटिटी, एक क्वांटिटी घटाना है और एक क्वांटिटी कम करना है आपको, ठीक है, बहुत सिंपल है। इस पर हम ये ग्राफ लिया, इसमें से और एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो ग्राफ का जो शेप है ये कौन सा है, फ्रॉम ओरिजिन देखा जाए तो ये क्या है, कॉनकेव शेप है, कॉनकेव शेप ऐसा रहता है, ठीक है, ये क्या है कॉनकेव शेप है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का जो कर्व है उसका शेप कैसा है, ठीक है। हाँ तो हम देखते हैं कि यूपीएससी में कौन सा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा है, ओके 2019 में क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड्स टू इकोनॉमी, ओके विच इज इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, ठीक है। कंसेप्ट हमने देखा, वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया है कि फर्स्ट ऑप्शन है द इकोनॉमी हैज़ टू सैक्रिफाइस सम प्रोडक्शन ऑफ वन कम्युनिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अनदर कम्युनिटी। हमने देखा कि कोई एक प्रोडक्ट बढ़ाना है तो दूसरा कम्युनिटी, दूसरा जो प्रोडक्ट है वो हमें कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रीडिंग का कम करेंगे तो एमसीक्यू को ज़्यादा सवाल कर सकते हो, तो ये आंसर राइट है, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका, ओके जो नेक्स्ट है वो आप बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है। जो कंसेप्ट है वो आपको ठीक से अंडरस्टैंड करना है, एक बार आप कंसेप्ट अंडरस्टैंड करोगे तो आप इजीली वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, देर इज नो लिमिट और कंस्ट्रेंट फॉर इकोनॉमी इन प्रोडक्शन ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये देखो, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये गलत ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ वन कम्युनिटी अप टू अ पॉइंट विदाउट रिड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ एनी अदर कम्युनिटी। तो हमने यहाँ देखा कि एक कम्युनिटी का प्रोडक्शन कम करेगा तभी दूसरे का बढ़ जाएगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट फोर क्या है, इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर इज एन अपवर्ड स्लोपिंग करो। ये अपवर्ड स्लोप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन भी देख लिया, उसका जो कंसेप्ट है वो भी देख लिया यहाँ पे। ठीक है, ये कर्व भी देख लिया, एग्जांपल भी देख लिया। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो जो आप कमेंट सेक्शन में हमें नीचे बता सकते हो। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। ठीक है, आपको और भी जो कंसेप्ट डिफिकल्ट लग रहे हैं तो हमें वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे।